सर, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? आज का वो ऐतिहासिक दिन है जिसका हम 70 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। हमने कश्मीरी हेजमनी तोड़ी, हमारी महिलाओं को न्याय मिला, वाल्मीकि समाज को न्याय मिला, और जो हमारा गोरखा समाज था जो इंडियन आर्मी में भी चलता था और बहुत सारे उसमें सोल्जर्स थे, बहुत सारे हमारे आर्मी के लोग थे, उनको भी न्याय मिला। ये जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 70 सालों से जो देश के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने इस बिल को रोक के रखा था, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, पर ये 2 साल पहले जो सेंटर में जो सरकार है हमारी उनके ऊपर भी लोगों का प्रेशर था कि वो इस 370 को तोड़ें, और वो 370 टूटा। और इस उपलक्ष्य में आज हमने छन्नी और त्रिकुटा नगर रेजिडेंट्स वालों ने आज एक रैली रखी है, और ये बहुत खुशी का दिन है कि अब हमारी यहाँ पे एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो डेवलपमेंट का अध्याय है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शंस भी हों और यहाँ का जो यूथ है वो नौकरी में भी आए, और हम लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। ये रैली उसी उपलक्ष्य में है, 1 घंटे का कार्यक्रम है, आप इस रैली में बने रहिएगा। धन्यवाद। आज जो समाज जो है काफ़ी खुश है कि 2 साल जो पहले 370 और 35A जो हटा था, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ राष्ट्र के जो विरुद्ध सोच के लोग हैं उन्होंने इसको पहाड़ बना के रखा था कि ये हट नहीं सकती है, लेकिन राष्ट्रभक्त लोगों ने इसको हटा के बता दिया। उन लोगों ने ये बता रखा था कि ये एक इतना पहाड़ है कि कोई इसको छेड़ तक नहीं सकता है, लेकिन जो राष्ट्रभक्त लोग आए उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि ये एक कीड़ी की जितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को बना के रखा था। आज उसी के लिए आज 2 साल हो गए हैं, 5 अगस्त के दिन ये 370 और 35 से हटा था, और आज उसी 370 को हटाने की खुशी में आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का ये रैली उसी के संदर्भ में है। और आज हम सब जहां त्रिकुटा नगर छन्नी सभी जो समाज के लोग हैं आज यहां इकट्ठा होकर हम जहां रूट अपना मार्च निकालेंगे और अपना सूर्य चौक में जाकर इसकी समाप्ति करेंगे।